मेवात जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जुनैद की मौत की खबर जमालगढ़ गांव व आसपास के गांव में लगी तो गुस्साए लोगों ने जमालगढ़ पुनहाना मार्ग को जाम कर दिया। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि गुस्साए भीड़ ने जमकर नारेबाजी की। जाम की खबर सुनकर पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का काम किया। भीषण गर्मी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को जाम खुलवाने के लिए कई घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों ने मांग की है कि उपरोक्त मामले में बोर्ड द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाए, दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। नाजायज गिरफ्तार किए गए उसके दो सगे भाई इरशाद आजाद को तुरंत आजाद किया जाए। साथ ही मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए SIT का गठन किया जाए। कुल मिलाकर अभी भी मामले में विवाद बना हुआ है। जमालगढ़ गांव के लोग मुकदमा दर्ज कराने तथा पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक FIR दर्ज नहीं की गई थी और न ही मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया था, लेकिन भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध जमालगढ़ गांव से लेकर पुनाना शहर तक किए गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस पर पिटाई से लेकर रिश्वत के जो आरोप लग रहे हैं उसमें मेवात पुलिस का नजरिया क्या रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की घटनाओं से लोगों का खून उबाल मर रहा है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। पुलिस शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है। ताजा खबर जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हम दिखाते हैं सच का आईना। इस बारे में ये घटना 31/5/2021 की है और तकरीबन शाम को 6 बजे जो हरियाणा में गांव है सुनेड़ा, वहां से इनको फरीदाबाद की साइबर क्राइम के इसमें साथ, तो उनको बाय नेम हम जानते हैं हमारे साथी, और 4-5 लोग और थे जो इनको ज़बरदस्ती वहां पर उठा के ले गए और इनको इतनी बुरी तरह से मारा कि जिस तरह से एक पशु को भी इंसान नहीं मार सकता। और उसकी हालत आप देख सकते हैं कि आज जो डेड बॉडी हमारे बीच में है, जो नौजवान की 21 साल का नौजवान लड़का है, का पूरा शरीर उनका सूजा हुआ है। तो इस तरह से पुलिस की जो ज़ास्ती और जुल्म, और जो देखते हैं कि इतनी निर्दयता से हत्या करना, इतना तो कोई दुश्मन भी नहीं सोचता। ये पुलिस नहीं है, ये बिल्कुल नरभक्षी बनी हुई है। तो इन चीज़ों के हमने खिलाफ़ कार्रवाई करवाने के लिए हमने आज ये जो हम ये न्याय चाहते हैं कि पुलिस से इसमें तुरंत हमारी FIR दर्ज करी जाए और FIR के बाद एक मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम हो और मुलजिमों को अरेस्ट करे। अगर प्रशासन इसमें कोताही या ढिलाई बरतता है तो हमारे पूरा इलाके का हर आदमी इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और इसकी एक खास और वजह और है कि इस जो जुनैद लड़का हमारा गुजरा है बेचारा मरहूम, इसके खिलाफ कोई भी आज तक किसी थाने में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। एक पुलिस की सरेआम पैसे लेने की नीयत से 70,000 रुपये ले भी लिए हैं, जिनकी हमारे पास वीडियोज भी हैं, इनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है पुलिस की। और फिर ये धमकी दी जा रही है कि ये तो अभी उठाया दो और मुकदमे भी दर्ज करेंगे, 2 भी मुकदमे करेंगे, 4 भी मुकदमे दर्ज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। पास सब चीज है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सारी आपके पास, और क्यों मुकदमे दर्ज नहीं हो रहा है? ये पुलिस प्रशासन की एक तानाशाही है। इस तरह से सिर्फ जुल्म तो पहले पुलिस को करना ही नहीं चाहता। अगर कुछ बाद में साहिब हत्याकांड भी था, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्या ये भी ऐसा ही रह जाएगा? ये पुलिस प्रशासन की और सरकार का जो निकम्मापना है, इससे इस तरह से मुलजिमों को छूट देना कि उनके खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं करना, एक पुलिस प्रशासन और जो जुल्म जास्ती करने वाले हैं उनके एक हौसले बुलंद करते हैं। और इसी वजह से आज हमारा एक जुनैद भाई भी एक अल्लाह का प्यारा हो गया। अगर पुलिस प्रशासन और सरकार इन पर सही कार्रवाई करे तो ये जास्तियां रुक जाएंगी। क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी रणनीति ये रहेगी, जब तक हम अपनी डेड बॉडी को नहीं दफनाएंगे, जब तक मुलजिमों का अरेस्ट नहीं होगा, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मेडिकल बोर्ड से इनका पोस्टमार्टम नहीं होगा, तब तक हम मैयत को नहीं दफनाएंगे। ये हमारा एक चैलेंज रहेगा। आप एक वकील हैं, कानून के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, बेकसूर लोगों को इस तरीके से मार पीटना कौन से कानून में है जो पुलिस इस तरीके से? ये तो कोई कानून ही नहीं कहता। अगर किसी मामले में किसी को तफ्तीश भी करनी है तो इसका एक जुरिडिक्शन होता है पुलिस अधिकारी को। इस तरह से नहीं कि उसका आप डेड बॉडी को खुद आप मौके का मुआयना कर ले, मौके पे मौजूद है, इसको कितनी बुरी हालत, कितने उसके जख्म, उसके कितने पैर हाथ सूजे हुए, कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक दुश्मन भी इतनी बुरे जाती नहीं कर सकता जो कि पुलिस अधिकारियों ने किया है। और समय 7 पुलिस अधिकारी जिनका मैं नाम भी बोल देता हूँ, जो बाई नेम हमारे पास राजेश SHO है, सुरजीत SI है, नरेश हेड कांस्टेबल है, दरवीर हेड कांस्टेबल है, नरेंद्र SI है, जावेद SI है, बसंत है, और 4-5 और अन्य हैं जिनके हम नाम नहीं जानते।
तो हमारे यही बार बार फिर सरकार से सुबह से आपने जाम लगाया हुआ है, क्या प्रशासन के थ्रू कोई आप सांत्वना मिली है? प्रशासन का तो मैं कहता हूँ कि जितना हरियाणा का प्रशासन निकम्मा है, शायद ही कहीं पर नजर आता होगा कि सुबह से ये रात का मामला है और रात से अब तक पुलिस प्रशासन, वो भी पुराने थाने का है, जबकि बिछोर थाने की घटना है, बिछोर थाने का SHO अब तक भी नहीं आया, तो शायद कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि SHO की और अपने डिपार्टमेंट को बचाने के लिए उनकी कहीं मिली भगत भी हो सकती है, कुछ साठ गांठ भी हो सकती है। हमारी रणनीति रहेगी, हम डेड बॉडी को तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक मुलजिमों का अरेस्ट नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा और बोर्ड द्वारा मेडिकल नहीं होगा। ये हमारी पूरी रणनीति रहेगी, चाहे हमें कोई और भी कुर्बानी देनी पड़ी, धरना करना पड़ा, जाम भी करना पड़ा, तो वो भी करेंगे। इस संबंध में इसके परिवार के जो भी व्यक्ति हैं या गांव के आदमी जो भी कंप्लेंट देंगे या बयान लिखवाएंगे, उस पर हम जो है बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उन आरोपी को सजा भी दिलाएंगे। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद की पुलिस ने इसको 29 तारीख को उठाया था, आपको भी सूचना करी होगी जब पुलिस यहाँ आई होगी रेड के लिए? नहीं, इसको जो है पुनहाना क्षेत्र से नहीं उठाया गया था, ये गाँव वाले बता रहे हैं, मैं सुनहरा बॉर्डर वगैरह से ही उठाया था, यहाँ गाँव से नहीं लेके गए। इसको गाँव वाले ये भी कह रहे हैं कि वो एक जमींदार का काम करता था, किसी तरह का कोई मुकदमा कोई आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसको तरीके से, ये तो बाद रिकॉर्ड के अनुसार चेक करके बताए जाएंगे, अभी तक रिकॉर्ड क्या है क्या ना है इसके बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा। कब तक जाम खुलवाने का आश्वासन? अभी बस इनकी कंप्लेंट आ जाती है, कंप्लेंट के बाद जाम खुल जाएंगे, हम उसमें FIR लॉज करके।